Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं ओवुलेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो ओवुलेशन के बाद से अपनी बॉडी को नोटिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी हर एक महिला को पीरियड डेट के आसपास, पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम एससीजी कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और एक प्रेग्नेंट वुमेन में एससीजी हार्मोन डे बाय डे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी, यानी पीरियड डेट से पहले ही प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। बट जो पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखते हैं, उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्योंकि एससीजी हार्मोन भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, डे बाय डे इंक्रीज होता है। वैसे ही जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे हाई होती है। और जब महिलाओं को थोड़ा टाइम हो जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद तो महिलाओं को खुद ही पता लगने लग जाता है ये प्रेगनेंसी के लक्षण है। बट अगर पहले जानना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी बॉडी को नोटिस कीजिए, बॉडी में आपके क्या नया हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं। सो गाइस, देखिए प्रेग्नेंट होने में बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के बहुत सी महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत हो जाती है, और कमर दर्द होना अर्ली प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। बट कमर दर्द होना एक नॉर्मल सी बात है। अगर कुछ ज़्यादा काम आप कर लेते हैं या आपको थोड़ी वीकनेस हो जा रही है, तो आपके कमर में दर्द होना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपकी कमर में दर्द हो रहा है, ये आपका प्रेगनेंसी का साइन है? और जो प्रेगनेंसी का कमर दर्द होता है, वो मेनली होता कहाँ पर और क्यों होता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ज़्यादातर महिलाएं बैक पेन की प्रॉब्लम फेस करती हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जो आपका प्रेग्नेंट होने के पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ओवुलेशन के बाद से ही महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम कर रहा होता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो पीरियड आने से थोड़ा टाइम पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं की बॉडी में कम हो जाता है। और ओवुलेशन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है। और रिलैक्स होने की वजह से यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज के चांस या प्रीमेच्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूट्रस की मसल्स रिलैक्स होने की वजह से महिलाओं में कमर दर्द की प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन सफल होने के दिन से ही स्टार्ट होने लग जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से जो पैल्विक एरिया की जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सॉफ्ट होने लग जाते हैं, लूज होने लग जाते हैं, क्योंकि महिलाओं की बॉडी प्रेग्नेंट होने में पहले दिन से चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार हो रही होती है, जिसकी वजह से जो पैल्विक एरिया के लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो लूज होने लग जाते हैं। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से महिलाओं की बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में यूट्रस एक्सपेंड हो रहा होता है, क्योंकि गाइस एम्ब्रियो ये नहीं है कि जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो उतना ही रहेगा, वो भी ग्रो होता है, डेवलप होता है, जिसकी वजह से यूट्रस की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होती हैं। और कई बार ये भी होता है मसल्स सेपरेट भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के बैक में पेन होना शुरू होता है प्रेग्नेंट होने के पहले दिन से, और जो डे बाय डे इंक्रीज भी होता है। और जैसे जैसे गाइस महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो होती है, वैसे वैसे महिलाओं का वेट गेन भी होता है, जो आगे का बेबी बम्प है वो भी ग्रो होता है, और जिसकी वजह से भी महिलाओं के कमर में दर्द लाइक थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है। और इसके साथ स्ट्रेस भी एक कारण है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जो फिजिकल स्ट्रेस होता है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, बहुत थकावट सी महिलाओं को फील रहती है, मूड स्विंग्स जैसे सिम्टम्स महिलाओं को दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो फिजिकल स्ट्रेस है और इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है। महिलाओं को ये लगता है कि प्रेगनेंसी कैसी रहेगी, स्मूथ रहेगी, कैसे डिलीवरी होगी, ये सब चीज़ें महिलाएँ सोचती हैं। साथ में फिजिकली भी महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, तो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी महिलाओं को बैक पेन की शिकायत होने लगती है ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी। ये तो मैंने आपको बताया बैक पेन क्यों होता है, अब मैं आपको बताती हूँ बैक पेन एग्जैक्टली कहाँ पे होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो अगर देखिए गाइस, बैक में जो आपके स्पाइन एंड जहाँ पे पैल्विस मीट करते हैं, जो दोनों हड्डियाँ हैं ये दोनों मीट करती हैं, मेनली वहीं पे दर्द होता है। और मेनली जो बैक में पेन होता है ये आपकी लोअर साइड में ही होता है, और जो एरिया मैंने बता दिया स्पाइन और पैल्विस जहाँ पे मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, उस एरिया पे होता है। बट ये आपका लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, और मिडल में भी हो सकता है। ये जो पेन है आपको कम भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आपको थोड़ा वॉक वॉक करनी है एंड अपना पोस्चर ठीक रखना है। जब आप सोएं तो स्लीपिंग पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए, जिससे बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो आपको कम फील हो और आप स्मूथ प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाए। तो यही है आज का वीडियो गाइज। इस वीडियो के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए अपनी बॉडी को नोटिस ज़रूर कीजिए। आपकी बॉडी में जो भी नया हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड फॉर 100% कन्फर्मेशन तो आपको लाइक पीरियड मिस होने के 10 डेज के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर उसमें भी आपका एक लाइन लाइट आ रही है, एक लाइन डार्क आ रही है, तो उस टेस्ट को आप एक हफ्ता बाद रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है देन डॉक्टर के पास आपको विजिट करना चाहिए। देन डॉक्टर आपको जो प्रेगनेंसी केयर होती हैं, जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं, वो सब कराएंगी। एंड इसी तरीके से आप हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।